कारण कैसे अंग्रेजों ने किया चमत्कार, भारत को उसी के घर में कैसे पानी पिला दिया। दोस्तों 25 जनवरी को जब हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच शुरू हुआ तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि भारत यह मुकाबला हार जाएगा। पहली पारी में तो अंग्रेज काफी ज्यादा पीछे थे, लेकिन फिर उसके बाद जो पलटवार किया उसने पूरा मैच बदल दिया और इंग्लैंड 28 रन से यह मैच जीत गई। आखिर इंग्लैंड ने यह चमत्कार कैसे किया, आइए इन 5 कारणों से जानते हैं। भारत ने इंग्लैंड को पहले टेस्ट में 192 रन की लीड दी थी। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड इतने रन भी नहीं बना पाएगी और एक पारी से मैच हार जाएगी, लेकिन अंग्रेजों ने दूसरी पारी में अटैकिंग क्रिकेट खेला। उन्होंने तेज गति से रन बनाए। वहीं इंग्लैंड की दूसरी पारी में ओडी पोप की 196 रन की पारी इस जीत में अहम साबित हुई। इंग्लैंड टीम हैदराबाद टेस्ट के शुरुआती 2 दिन में काफी ज्यादा पिछड़ गई थी। उनको भारत ने पहले सिर्फ 246 रन पर ऑल आउट कर दिया और उसके जवाब में 436 रन बोर्ड पर टांग दिए। यहां से मैच जीतना एक चमत्कार ही था। इंग्लैंड ने मैच में इतना पीछे होने के बाद भी अपने घुटने नहीं टेके, खुद में आत्मविश्वास रखा, जिसके चलते उन्होंने इस जीत का स्वाद चखा। पहली पारी में टॉम हार्टले इतने असरदार साबित नहीं हुए थे, उन्होंने सिर्फ 2 विकेट लिए थे। इसके बाद दूसरी पारी में टॉम ने कमाल कर दिया। उन्होंने पिच को देखा और समझा कि पिच किस तरह से खेल रही है। वहीं हार्टले ने यह भी कहा था कि पहली पारी के बाद उन्होंने रवि अश्विन और रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी से भी सीख ली थी। हार्टले ने दूसरी पारी में 7 विकेट अपने नाम किए थे। भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी खामी रही है कि वह लगातार रन नहीं बना रहे हैं। इसका खामियाजा टीम को भी भुगतना पड़ता है। जब से ऋषभ पंत चोटिल हुए हैं, तब से टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर भी वीक हो गया है। इसका इंग्लैंड ने बखूबी फायदा भी उठाया है। पहले टेस्ट में भारत का टॉप ऑर्डर काफी ज्यादा अनुभवहीन नजर आया। इंग्लिश खिलाड़ियों को इसका फायदा मिला और उन्होंने भारत के टॉप ऑर्डर को सस्ते में समेट दिया। टेस्ट में गिल का बल्ला पूरी तरह से खामोश है। उन्हें अपनी फॉर्म हासिल करने के लिए वापसी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल का यह 5वां ही टेस्ट था। उनके पास अनुभव की कमी है, जो कि दूसरी पारी में देखने को भी मिला। इन 5 कारणों के कारण भारत को पहले टेस्ट में शर्मसार हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों आपको क्या लगता है, हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।